हेलो एवरी सभी साथियों को राम राम नमस्ते हाय हेलो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक हैं तंदुरुस्त हैं दोस्तों यूपी विधानसभा में नई भर्ती निकल चुकी है मेल और फीमेल कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है और ये आपके लिए मौका है और इस मौके से आपको चुकना नहीं है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और इस भर्ती के लिए यदि आप योग्यता रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यदि आप इंडिया के हर स्टेट की जॉब पाना चाहते हैं अपने मोबाइल पर फ्री में तो आप इस चैनल को नॉलेज टी विदेशता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां पर मैं आपके लिए हर रोज जॉब और जॉब से जुड़ी अपडेट लाता रहता हूं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में यह भर्ती निकली है ठीक है आठ दिसंबर से फॉरम शुरू हो चुके हैं सात जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है फ़ीस की मैं बात करूँ तो जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस के लिए साढ़े नौ सौ रुपये फ़ीस है एस सी एस टी के लिए साढ़े आठ सौ रुपये फ़ीस है फिजिकल हैंडी कैप के लिए पचास रुपये फ़ीस है और फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है ठीक है दोस्तों तो यूपी में ये भर्ती निकली है अप्लाई कोई भी कर सकता है इंडिया के किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है टोटल वैकेंसी इसमें दोस्तों सतासी है एट्टी सेवन है आपको एक पद चाहिए एक वैकेंसी चाहिए है ठीक है और आगे देख लेते हैं एज के बारे में और जो डिटेल के बारे में तो पहली जो वैकेंसी है एडिटर की है तीस से चालीस साल इसमें एज मांगी गई है मास्टर डिग्री हो आपके पास लिटरेचर फिर ही आपके पास सोशल साइंस ठीक है इनमें से आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पाँच साल का एक्सपीरियंस आपका ज़रूर होना चाहिए उसके बाद में दोस्तों आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है बाईस से चालीस साल एज मांगी गई है प्लस टू पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है साथ में आप यहाँ पे टाइपिंग स्पीड वगैरह है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों जो अगली वैकेंसी है वो रिव्यू ऑफिसर की है 21 से 40 साल इसमें एज मांगी गई है और दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें अनेक प्रकार की वैकेंसी है तो हो सकता है सबसे नीचे वाली आपके लिए हो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और अपने चैनल पर अनेक प्रकार की जॉब अभी आई हुई है निकली हुई है तो आप उनके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं चैनल पर जाकर ठीक है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपके लिए आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं तो दोस्तों यहां पे बैचलर डिग्री मांगी गई है रिव्यू ऑफिसर के लिए किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के पद के लिए उसके बाद में है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 21 से चालीस साल एज है बैचलर डिग्री यदि आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है इक्कीस से चालीस साल एज है इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास ओ लेवल का एग्ज़ाम पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है 21 से 40 साल एज है बैचलर डिग्री मांगी गई है प्लस में आपका हाउसकीपिंग या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग का आपके पास कुछ इसके अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए दोस्तों ठीक है उसके बाद में है रिसर्च एंड रेफरेंस असिस्टेंट 21 से 40 साल एज मांगी गई है मास्टर डिग्री मांगी गई है लिटरेचर में या फिर सोशल साइंस में और तीन साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे उसके बाद में दोस्तों सूचीकार की वैकेंसी है इक्कीस से चालीस साल इसमें एज मांगी गई है बैचलर डिग्री आपके पास लाइब्रेरी साइंस ठीक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस ठीक है, है दोस्तों उसके बाद में दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है 21 से 40 साल इसमें एज़ मांगी गई है प्लस टू पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल लोग ही हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी कैंडिडेट नेवी कैंडिडेट एयरफोर्स एन सी सी कैंडिट होम पुलिस या इसके इक्वलेंट कोई कैंडिडेट है वो केवल इसके लिए अप्लाई कर सकता है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ठीक है अलग अलग से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है ठीक है तो दोस्तों यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो चुके हैं ठीक है, है। यूपी में जो लोकेशन रहेगी आपकी और अप्लाई इंडिया का कोई भी स्टेट किसी भी कैंडिडेट स्टेट से कर सकता है कोई भी मेल फीमेल कोई भी है एलिजिबल रहेगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़े अप्लाई करने से पहले पहले ठीक है ये आपका फर्ज़ बनता है ये आपका कर्तव्य ये आपका एक आ, नॉलेज के लिए जरूरी है हो सकता है इसमें कुछ और बातें आपके लिए बताई हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो ठीक है दोस्तों तो ये एक अपडेट थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी यूपी में यूपी विधानसभा में भर्ती निकली है और बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी आप किसी भी स्टेट में रहते हैं आगे भी जॉब की जानकारी लेना चाहते हैं फ्री में तो आप नॉलेज टीवी वी देसीता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएगा आज की वीडियो में तो ही धन्यवाद भगवान कर आप सभी का समय शुभ रहे